बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बड़े कब्रिस्तान जामा मस्जिद ट्रस्ट, जिसे कहा जाता है। हर साल बाराफात के दिन जो आज शबे बारात है, शबे बारात के दिन जो लोग अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आते हैं और उनकी मफरत की दुआएं मांगते हैं, आज एक शख्स और हमारे साथ खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? सिराज पटेल। पटेल साहब, आज मफरत का दिन है, आज यानी शबे बारात की रात है। हर इंसान अपने परोजन और अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आके दुआएं मांगते हैं, क्या कहेंगे आप? आज ये बड़ी रात है, शबे बारात के दिन। शबे बारात के दिन हमारे जो बुज़ुर्ग जो इंतकाल होते हैं, वो हमारा रास्ता देखते हैं कि कब्र साहब में आवे और हमसे मुलाकात करे, हमारे कब्र पे आके फूल फातिया पढ़े। उनको इससे खुशी और कुछ नहीं मिलती और उनको कोई उम्मीद नहीं। हमारे वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम आवे उनकी कब्र पर, फातिया दुरूद करें, और ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। देखा गया है कि पिछले साल में इस साल में काफ़ी हुजूम है आज के टाइम में, तो क्या कहेंगे पिछले साल की भीड़ में और आज की भीड़ में? पिछले साल ऐसा था कि लॉकडाउन के साथ लोग डरे हुए थे और आ नहीं पा रहे थे। इस वक्त ऐसा है कि गवर्नमेंट ने एकदम खोल के लोगों को हौसला बढ़ाया है और उनको पुलिस बंदोबस्त भी अच्छा दिया है। लोग आगे बढ़ के हिम्मत करके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट की तरफ से भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पुलिस बंदोबस्त भी अच्छा लगा, इंतजाम अच्छा है, ताकि कोई लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही। आज होली का दिन भी था मगर ऐसा कुछ एहसास ही नहीं हुआ। आज हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल के सब एक दूसरे का साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। कब्रिस्तान में किस तरीके का इंतज़ाम किया गया है? कब्रिस्तान में जो बड़े कब्रिस्तान के ट्रस्टी लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। पानी की सहूलत रखा गया है भाई, ये बार फकीर लोग को बाहर रखा है, सिक्योरिटी ज़्यादा रखा गया है ताकि चोरी वोरी का ना डर हो। ये बहुत अच्छा ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम किए बड़े कब्रिस्तान में। पहले लोग बाइक से अंदर आया करते थे, अब उन्हें वहीं रोका गया है, इसकी वजह क्या कुछ बताएंगे? ये बार ट्रस्ट ने जो इंतज़ाम किया गया है, पुलिस बंदोबस्त को एकदम बोला गया है कि गाड़ी बाइक अंदर तक आना नहीं चाहिए कब्रिस्तान तक, ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है। और ये बार फकीर जो गरीब है उनको भी गेट के बाहर रखा गया है ताकि उनको भी तकलीफ़ ना हो, लोगों को आने जाने में कुछ तकलीफ़ ना हो। पुलिस का कैसा है बंदोबस्त? पुलिस का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। मैं महाराष्ट्र को पुलिस को थैंक यू कहता हूँ कि जो पुलिस वाले हमारे साथ देते हैं, अपना त्यौहार छोड़ के भी वो हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ एक शख्स और है, सर क्या नाम है? मोहम्मद शब्बीर। शब्बीर भाई, आप आए हो अपने परिजनों के, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, तो आपने क्या महसूस किया और क्या कैसा लगा आप? हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। पहले से आप जो देख रहे हैं, जो चीज़ सजावट है, बोलो पहले से इतना बेहतरीन, माशाल्लाह इतना कब्रिस्तान हो गया हमारा, पहले ऐसा नहीं था। और माशाल्लाह अभी जैसे जैसे दिन जा रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छा कब्रिस्तान हो गया हमारा। और ये सब हमारे शोएब भाई है जिन्होंने हाथ में लिए। हमारे साथ एक और शख्सियत है शोएब भाई, जो आपने हमेशा उन्हें देखा होगा। सर हाँ जी जी, वो तो सही बात है, वो तो खैर, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं भी इनसे यही जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप? और बहुत बहुत आपका बॉम्बे प्रेस में स्वागत है, क्या कहेंगे आज आप? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मेरे रब का करोड़ों एहसान है रब्बुल आलमीन का, कि अल्लाह ने आफियत के साथ में इस बड़ी रात को हम तक के पहुँचाया और हम आफियत के साथ में हमारे मरहूमिन के पास आ रहे हैं। असल मकसद ट्रस्ट का यही रहता है कि जितने भी ज़ाराइन आ रहे हैं, वो जिस मकसद के आ रहे हैं, उनको उस मकसद में उनको वो चीज़ें मिले। पहले जहन के अंदर एक चीज़ रहती थी कि हम इतने बजे जाएंगे तो रश मिलेगा, हम इतने बजे जाएंगे तो रश मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस वक्त पूरे कब्रिस्तान में देख ले, ना आपको रश मिलेगा ना धक्का धुक्की मिलेगी। तादाद उतनी ही है, लेकिन मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग के साथ में जो एक्स्ट्रा दरवाजे जो बनाई है, जो रास्ते बनाए हैं, ताकि हर कब्र पर आपको ईज़िली एक्सेस मिले। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि आप अगर कब्र पीछे है तो आपको दूर खड़े रहकर फिर इंतज़ार करना पड़ता था, रश करना पड़ता था, लेकिन अब हमने जो है उसको सेक्शन वाइज कर दिया है। तकरीबन 7 सेक्शन बनाने के, हर सेक्शन के अंदर हमने जो है वो 2,500 की कब्रों को हमने उसको रिजर्व करके कर लिया है, तो उससे काफ़ी सहूलत मिली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे सारे यहाँ पर ज़ाराइन जो आते हैं ना, वो एक जहन बना कर आते हैं कि हमको एक बेहतरीन मज़हब है, और ये जो माहौल है यहाँ पे जो रहवासी है, ये तकरीबन हमारे भाई दूसरे मज़हब के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पास एक मैसेज जा रहा है कि नहीं, हम जो है इस मुल्क में जो है अमन और शांति और सुकून चाहते हैं। आज होली का दिन भी था, होली भी काफ़ी लोगों ने अच्छे से मनाई, और ये त्यौहार दोनों त्यौहार एक साथ। गेट जो है ये बड़े कब्रिस्तान का, ये जो खसूसी तौर पर जो गेट है, इसकी एंट्रेंस पे तमाम जो है गैर मुस्लिम ही रहते हैं, लेकिन कहीं भी ना उनके मज़हब में कल रात को 12 बजे उन्होंने होली जलाई। हमारे जो भी वॉलेंटियर थे पूरा 100% कोऑपरेट किया, आज उन लोगों ने भी हमको काफ़ी कोऑपरेट किया पुलिस के साथ में मिल के। पुलिस का कितना सहयोग रहा?
बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत बेहतरीन सहयोग रहा। कहीं भी ये चीज़ के ऊपर जहन पे वो नहीं आई कि हमारे को कहीं पे दबाव बनाया कुछ हुआ। अच्छा, ये भी एक सुना गया है कि बड़े कब्रिस्तान में एक टाइम टेबल रखा गया है कि क्योंकि हर टाइम इंसान कोई ना कोई ऐसा शख्स घुस जाता था, लेकिन अब एक टाइम बांध दिया गया है, तो क्या टाइम है? देखिए, ज़ाराइन जो है ना, हमारा एक टाइम हमने ये बना दिया है कि सुबह 5 बजे हम गेट खोलते हैं और रात को 11 बजे हम गेट बंद कर देते हैं। जो बेचारे दरूद पढ़ने आते हैं, ज़ाराइन आते हैं, जो कब्रों पे आते हैं, वो इस दरमियान में अपने टाइम को शेड्यूल कर ले। रात में 11 के बाद कब्रिस्तान में क्या काम है? तो हमने तदफीन के लिए तो 24 घंटे कब्रिस्तान को खोला है। किसी का भी इंतकाल होता है, किसी भी वक्त जो है वो मैयत को लेकर आ सकते हैं, लेकिन रात में कब्रों पर 11 के बाद किस मकसद पे आना, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इस बुनियाद को देखते हुए हमने वो सारी चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया कि सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक के ही कब्रिस्तान खुलेगा, तदफीन के लिए 24 घंटे खुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए। शबीर भाई, आप कुछ आपकी बात अधूरे क्या कहेंगे आप? मैं बता रहा हूँ ना कि माशाल्लाह, जब से हमारे सोहेब भाई ने हाथ में लिए तो पहले वन साइड एक दरवाज़ा रहता था और एक पीछे का दरवाज़ा। अब उन्होंने जैसा बताया कि जो दरवाजा अलग अलग करके उन्होंने जो किए मैनेजमेंट, बहुत अच्छा किए उन्होंने और बेहतरीन, बहुत अच्छा माहौल बना के रखे उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शबीर भाई, जिन्होंने बताया कि बहुत अच्छा सा बंदोबस्त रखा गया था, पुलिस का भी काफ़ी अच्छा बंदोबस्त था। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। अरे तो देंगे भी नहीं बाइडेन को फिर। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।